क्या सफेद फेफड़ों का सिंड्रोम किसी नए खतरे की घंटी है? सारी दुनिया चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी बच्चों में सांस की बीमारियों के फैलने में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स इनके मुदाफियाती रद्द-ए-अमल का मुताला तेजी से कर रहे हैं। गो के ये कोई नया वाकया नहीं, लेकिन चूँकि चीन ने माइकोप्लाज्मा निमोनिया के फैलने की इतला अचानक दी है और ये खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फेफड़ों के लिए इंतहाई खतरनाक समझा जा रहा है। इस मर्ज में फेफड़ों पर सफेद धब्बे जाहिर होते हैं, शायद इसीलिए इसे ये नाम व्हाइट लंग सिंड्रोम सफेद फेफड़ों का सिंड्रोम दिया गया है। गो के ये नाम कोई साइंसी इस्तलाह नहीं, लेकिन इस बीमारी में फेफड़ों का एक्सरे सफेद धब्बे दिखाता है। इसे अमूमी सतह पर बच्चों के निमोनिया के नाम से भी पुकारे जाने लगा है। इस बीमारी की अलामत क्या है? मरीजों में इस मर्ज की अलामत, जिनमें खांसी, बुखार, नाक बहना, हड्डियों में बलगम का ढेर होना, सांस लेने में दुश्वारी और थकावट शामिल है। इस मसले का हल न्यूबलाइजेशन और अद्वियात का खातिर ख्वाह ख्याल रखना है। कई माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी, जिसका नाम माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, मगर जैसा कि चीन में फैलने से जाहिर होता है कि ये कम्युनिटी की सतह पर बड़े पैमाने पर फैल चुका है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहरहाल इसकी एंटीबायोटिक्स दस्तियाब है। वैसे भी कोविड-19 के दौरान तवील लॉकडाउन, सामाजिक दूरी और घर में रहने के मामलात ने बच्चों में मुदाफियाती निज़ाम को मुतासर किया है, जिसकी वजह से वो मौसमी इन्फेक्शन का ज्यादा शिकार हो रहे हैं।